साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत, इसमें चावल और रवा का काफी इस्तेमाल होता है। रवा का मतलब सूजी, और इसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आप रवा इडली बना सकते हैं, आप रवा डोसा बना सकते हैं, और जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है रवा उपमा। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो हमने पहले कढ़ाई रखी है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। राइट। और दीपिका, रवा उपमा की एक खास बात है। वो क्या? आप चाहें तो इसको जितना चाहें आप इसको पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। जैसे आज बड़ी सारी वेजिटेबल्स उसमें डाल रहे हैं, और आप इसमें गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, जितना चाहें आप इसको हेल्दी बना सकते हैं। राइट। तेल गर्म हुआ है, उसमें हम डाल रहे हैं मस्टर्ड सीड्स। मैंने करीब 5 ग्राम यानी कि एक छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स का डाला है। मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। राई। और इसमें अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक, एक छोटा चम्मच। एक छोटा चम्मच। अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा, शाही जीरा, ये 2 ग्राम के आसपास मैंने डाला है। और अगर आप इसको स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें डालिए हरी मिर्च जो कि मैंने काट के रखी हुई है, ये भी 5 ग्राम के आसपास डाली है। साहिल, एक बात बताइए मुझे। हाँ जी। जीरा तो मुझे समझ में आता है, इसको शाही जीरा क्यों कहते हैं? इसमें ज्यादा फ्लेवर है, ज्यादा अरोमा है, उसको हम शाही जीरा बोलते हैं। अब हम डालेंगे इसमें करी पत्ता। बिल्कुल। हमने ये 4 या 5 करी पत्ते डाले हैं इसमें। जैसा कि आपको पता ही है, मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा पसंद है, अरोमा। बिल्कुल, बिल्कुल। और करी पत्ता आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, तो जो आप खाना खा रहे हैं वो जल्दी से पच जाएगा। जैसे ही ये करी पत्ता हो जाता है, आप देख रहे हैं फ्राई होने के बाद अकड़ गया है थोड़ा। अब इसमें डाल सकते हैं आप प्याज। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि फ्राई होने के बाद कड़ी पत्ता अकड़ गया है। सख्त हो गया थोड़ा। सख्त हो चुका है जी। प्याज को बिल्कुल हल्का सा भूनना है। बिल्कुल हल्का सा भूने, अभी हम भून ही रहे हैं। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट यानी कि गल जाए हल्का सा ऑयल में, हमें इसमें कलर नहीं लाना है। इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार 1-2 ग्राम आप नमक डाल सकते हैं अभी। और यहाँ पर मैंने जो है काजू इसमें हम डाल रहे हैं, उसको हमने पहले से भून के रखा हुआ है। आप इसको सिर्फ एक नॉन स्टिक पैन में या तवे में डाल करके काजू को आप भून सकते हैं बिना किसी तेल के। बिल्कुल। तेल इस्तेमाल करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, तो जितना आप सेव करेंगे, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं साउथ इंडिया गया था अभी कुछ साल पहले, तो सबसे अच्छी बात है उनके ब्रेकफास्ट में, आप कितना भी खा लीजिए लेकिन आप दिन भर अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें उनके खाना बनाने के तरीके में आधी से ज्यादा चीजें तो उबली हुई हैं या स्टीम्ड है। बिल्कुल। साथ साथ मैं साहिल, मैं अभी ये देख रही थी कि यहाँ कोई गरम मसाले नहीं है, लाल मिर्च नहीं है, तो आपके जो स्टमक है उसके लिए भी काफी हल्का है। बिल्कुल। इसमें हमने डाले हैं करीब 20 ग्राम के आसपास काजू। काजू काजू डाला है तो कैल्शियम तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी, जितने भी नट्स होते हैं, जैसे आप काजू की बात कर रहे हैं, तो इनमें विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में होता है। बिल्कुल ठीक। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, जो कि एक फल है, अब तो हम समझ गए। तो हमने डाला है करीब एक छोटा टमाटर मीडियम साइज का, जो कि 25 से 30 ग्राम का होगा। उसको हम भूनते हैं। टमाटर की इस डिश में कुछ खास जगह है? हाँ जी, एक तो कलर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और दूसरा है खट्टापन जी, जो कि बहुत जरूरी है इस डिश के लिए जी। और अगर आप जब उपमा बन जाता है इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खाएं तो एक मेरा पर्सनल ट्विस्ट है, लेकिन इसमें बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं हमारे टमाटर जो है गल चुके हैं जी, तो इसमें अब डालने की बारी है सूजी। सूजी की यानी कि रवा। राइट। और हम डाल रहे हैं ये करीब 1 कप के आसपास, और सूजी को आप पहले से भून के भी रख सकते हैं। भून के कैसे रखेंगे? आप इसको एक पैन में डालें और बिना किसी तेल के इसको हिलाते रहें जल्दी जल्दी। अच्छा। तो ये भून जाएगी। हमने पहले, और नहीं तो आप बाद में भी भून सकते हैं, जैसे कि अब मैं भून रहा हूँ सूजी। साहिल, हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन सूजी की जो खास बात है, सूजी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। या आप दिन भर काम करके थके हुए घर आए हैं और आपको कुछ एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो जैसे साहिल बना रहे हैं सूजी का उपमा, सूजी का उपमा टेस्टी तो होगा ही होगा, साथ में आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाएगी। चलिए, तो इंस्टेंट एनर्जी के डोज के लिए तैयार हो जाइए जी, क्योंकि हमारी जो सूजी है ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि भुन चुकी है, हल्का सा ब्राउन कलर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा रंग बदल गया है इसका। तो दीपिका जी, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ मेरी मदद नहीं करा रही हैं, अब आपकी मदद की बारी आ गई है। मैं इंतजार कर रही थी आप बोलोगे मदद चाहिए, आपने बोला ही नहीं। दीपिका, आपको इसमें
पानी डालना है और मैं इसको जल्दी जल्दी हिलाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखने की बात यह है कि हम उबलता हुआ पानी डाल रहे हैं इसमें। ओके, और अगर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें लंप बन जाएंगे, यानी कि गांठें बन जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते। धीरे धीरे डालिएगा ऊपर से, इसको अगर हम हिलाएंगे नहीं तो इसमें गांठें बन जाएंगी, तो साथ साथ हिलाना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि हमने अगर एक कप सूजी ली है तो आप इसमें डालिए दो कप पानी के, ऑलमोस्ट दुगनी मात्रा में। अब आप देख रहे हैं कि ये एकदम सूख चुका है जी। तो तैयार हैं आप फिर इसको परोसने के लिए? बिल्कुल। और इसको गार्निश करेंगे हम कोकोनट के साथ। ऑलराइट, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि आप भी इनफैक्ट पहले बता चुकी हैं कि कोकोनट में काफी मैग्नीशियम होता है और ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल सही कहा मैंने, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कैल्शियम मैग्नीशियम सबकी जरूरत है। ठीक, इसमें सजा दें दो कड़ी पत्ते भी। कड़ी पत्ते नहीं, मैं नहीं। इसके लिए कोरिएंडर यानी कि धनिया डालूंगा इसके ऊपर। ऑलराइट, तो लीजिए तैयार है रवा उपमा। बिल्कुल, आप इसे नाश्ते के साथ खा सकते हैं या शाम की चाय कॉफी के साथ। टमाटो रवा उपमा बनाने के लिए एक कप सूजी, एक मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, एक मीडियम साइज टमाटर कटा हुआ, एक चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच अदरक बारीक कटी हुई, 4 से 5 कड़ी पत्ता, 3 चम्मच काजू भुना हुआ, 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, कद्दूकस किया हुआ नारियल सजाने के लिए और कुछ धनिया पत्ता सजाने के लिए। टमाटो रवा उपमा बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और नमक डालकर उसे भून लें। अब इसमें टमाटर और काजू डालें। पक जाने पर सूजी को पानी के साथ डालें और अच्छे से मिलाएं, जिससे गांठें ना पड़े। पानी सूखने तक पकाएं। कसे हुए नारियल और धनिया से गार्निश करके परोसें।